जिसमें से 7 लाख वर्ग फीट में चिकित्सा सेवा, इसी ब्लॉक में पार्किंग, अग्निशमन नियंत्रण कक्ष, ब्लड बैंक, लेबर रूम तथा ऑपरेशन के पश्चात की सेवाओं को उपलब्ध कराने की में सारी सुविधाओं के साथ इस परिसर के आभार दे माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मंत्री, तालियां आपकी ओर से जोरदार होनी चाहिए। कन्वेंशन सेंटर का ये बहुउद्देश्य, जोरदार तालियां। और ये पुस्तकालय 12,74,00,000 की लागत से बने, ये पुस्तकालय 500 बेड का एक भव्य अस्पताल जनता को समर्पित की जा रही है। और जो बरसों से टाटा शहर में अवस्थित अस्पताल जनता की सेवा में था, बरसों पुराना होने के वजह से उसकी जर्जर स्थिति बनी जा रही थी और सरकार के निर्णय के अनुरूप आज एक नया मेडिकल कॉलेज सरकार ने कोल्हान की जनता और झारखंड प्रदेश की जनता को समर्पित किया है। आज हम हर महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया दे रहे हैं। 2 इंस्टॉलमेंट जा चुका, अभी दशहरा आने वाला है, कल परसों फिर 3रा इंस्टॉलमेंट भी चला जाएगा ताकि आपका त्यौहार बढ़िया से हो जाए। आज यहां का लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जाता है, अगर जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद में, चाईबासा के शहर में बड़ा बड़ा अस्पताल खुल जाए तो क्या जरूरत है हमको दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाने का। तो आज उसी के परिणाम स्वरूप जब हम लोगों ने रांची में भी एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया है, उसका भी बहुत जल्दी अभी हम लोग आधारशिला रखेंगे। आपका लगभग यहां पर बहुत ज्यादा 500 बेड, लगभग 700-800 बेड का अस्पताल हो जाएगा। हमको लगता नहीं है कि कोल्हान का लोगों को अब रांची जाने का जरूरत पड़ेगा और इसलिए हम लोग लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो, यहां पर अधिक से अधिक डॉक्टर कैसे बने, इसके लिए भी हम लोग प्रयास में लगे हैं। अभी आधारभूत संरचना कई समस्याओं का समाधान भी है, इसलिए आधारभूत संरचना को लेकर हम लोग निरंतर कार्यों में गति दे रहे हैं। रांची राजधानी है और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, रांची जैसे राजधानी जहां सबसे अधिक आज लोगों की जनसंख्या शहरों में है, वहां पर पहली बार राज अलग होने के बाद 2 साल के अंदर एक फ्लाईओवर बना करके कल हम लोगों ने जनता को समर्पित किया। आपकी यहां पर भी 2-2 फ्लाईओवर बनने जा रहा है, मानगो का फ्लाईओवर, वो भी काम चल रहा है, पार्डी में भी वो, उसमें भी चल रहा है काम, बहुत जल्द इसमें भी आप लोगों का आवागमन जल्द से जल्द शुरू हो, इसका हमारा प्रयास होगा। और हमारे आज के इस उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने कुछ आवेदन दिए हैं अपनी कुछ समस्या को लेकर, मैं आप सभी छात्रों से को कहना चाहूंगा, ये बात हमारी
कानों तक आज आई है और आप अस्वस्थ रहें, एक महीने के अंदर आपकी समस्या का समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर के अपने कामों को अंजाम दें, आप जनता की सेवा में लगे, अच्छे डॉक्टर बने और आपकी समस्या का समाधान राज्य सरकार करेगी। ये पेंटिंग उनकी तरफ से, तालियां आपकी ओर से, आप सब अपना अपना आभार धन्यवाद प्रदान करें। सभी को जोहार, जोहार, जोहार। सफल किया है सीनियर साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद।